नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैकेट चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सीपीयू के बारे में। यहाँ पर हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और आप लोग लिख भी लें साथ साथ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि CCC की ऑनलाइन क्लासेस, इसके अलावा मैं चला रहा हूँ जूम ऐप पर। तो जिस बच्चे को मुझसे पर्सनल कोचिंग लेनी हो जूम ऐप पर, तो वो बच्चा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करे कि सर मुझे चाहिए है। जिसे भी कंप्यूटर पर्सनली मुझसे सीखना है, वहाँ पर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोग लाइव पढ़ते हैं वहाँ पर, तो अच्छा डिस्कशन होता है और अच्छे से समझ में आता है। तो जिस बच्चे को लाइव मेरे साथ जुड़ना हो, लाइव पढ़ना हो, वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे और वहाँ पर उसको सारी डिटेल मिल जाएगी। जिस बच्चे को CCC या किसी भी अन्य कोर्स की तैयारी करनी हो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ के, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CPU के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CPU क्या होता है। सबसे पहले CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी। और डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे फुल फॉर्म बताई गई है CPU की, जिसका मतलब होता है गणना या तुलना के डिसीजन लेना। ये आपका कैलकुलेट भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इकाई होती है। देखिए CPU की जो इकाई है, जो मेन यूनिट होती है, वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जो कंप्यूटर में एक स्मॉल चिप है, ये स्मॉल चिप होता है जो इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट प्रदान करता है। ये चिप है जो इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। ये चिप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है और लाखों ट्रांजिस्टर इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम दिए गए हैं, डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर i3, कोर i5, कोर i7 और आदि माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसमें ALU, CU और MU यूनिट शामिल होती हैं। CPU में आपकी तीन मेन यूनिट होती हैं, ALU, CU और MU। ये तीन के वर्क से ही आपका CPU वर्क करता है। तो देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं CPU के तीन विशिष्ट घटक होते हैं। CPU के तीन जो हैं वो मेन कंपोनेंट हैं, और वो कंपोनेंट कौन से हैं? तो पहला जो कंपोनेंट है वो है ALU, जो आपका क्या करता है, अंकगणित और तार्किक संचालन, मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करेगा। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से क्लियर होगा, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये आपका क्या करेगा, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करेगा। जिन बच्चों को नहीं पता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके जोड़ घटाना गुणा भाग होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस आपके होते हैं इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और ETC, बहुत सारे होते हैं इस प्रकार के। ये आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो आपका है वो है CU, कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसे, जो क्या करता है, आवश्यक होने पर ALU द्वारा आवश्यक मेमोरी में आने वाले निर्देशों को डीकोड करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। जो कंट्रोलिंग का काम होगा वो आपका CU करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट, जो आपके डाटा को टेम्पररी मेमोरी में जोड़कर रखता है। मेमोरी यूनिट का वर्क वही होगा कि आपका ये डाटा है वो मेमोरी से जोड़ के रखेगा, और टेम्पररी मेमोरी से जोड़ता है, जब आप उसे सेव कर देंगे तब वो आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए CPU, तो ये एक CPU का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर CPU का डायग्राम है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए CPU का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। CPU के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं CU, ALU और MU। तीनों की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बता दी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। CPU का क्या वर्क होता है, इनपुट डिवाइस से डाटा CPU में जाएगा और CPU के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा, वो होने के बाद आप उसे आउटपुट की मदद से आउटपुट डिवाइसेस में देख सकते हैं। तो इतना वर्क होता है CPU का। ये तीनों जो कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है ALU, देखिए ALU नाम से क्लियर है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या करेगा, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट आपके परफॉर्मेंस करेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं।
यह कंप्यूटर सीपीयू प्रोसेसर का हिस्सा होता है जिसका उपयोग अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। एक अंकगणित तर्क इकाई एएलयू को दो भागों में बांटती है। देखिए एएलयू दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है एयू अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा होता है एलयू लॉजिकल यूनिट। मैं बता चुका हूँ फुल फॉर्म से क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं। उदाहरण के लिए अंकगणित ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग उसको एयू करेगा, और लॉजिकल ऑपरेशन जो आपके होते हैं ग्रेटर देन लेस देन और इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू लेस देन जो भी होते हैं जिस भी प्रकार के, वो आपके एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट करता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, तो वो आपका है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट में हम लोग देखते हैं, देखिए कंट्रोल यूनिट की परिभाषा को देखें तो यहाँ से पता चलता है कंट्रोल यूनिट जो है वो मुख्य बॉस की तरह काम करता है, किसी भी कंपनी के मुख्य बॉस की तरह काम करेगा ये, मतलब सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम आपका सीयू के पास होता है, कंट्रोल यूनिट के पास होता है, और प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को संपादित करेगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर आंशिक रूप से सिलिका का बना होता है। दूसरे शब्दों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन को दो भाषाओं में दो तरीके से बताया गया है, कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिलिकॉन की चिप का बना होता है। प्रोग्रामिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए यह प्रोसेसर के माध्यम से सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है और प्रोसेसर के अंदर होता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न घटकों का प्रबंध करता है और स्मृति और व्याख्या के निर्देशों को पढ़ता है और कंप्यूटर के अन्य भागों को सक्रिय करने के लिए संकेतों की एक श्रृंखला में परिवर्तन करता है। तो सीयू का जो आपका मेन पर्पज होता है, वो जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन वर्क होता है, वो सिर्फ इतना होता है, कंट्रोल यूनिट से डाटा सॉरी इनपुट डिवाइसेस से डाटा जब भी आपका सीपीयू में आता है तो उसे किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, किस प्रकार से मेमोरी में सेव करना है, किस डाटा को पहले आउटपुट देना है, तो वो पूरा कंट्रोलिंग का जो वर्क होता है वो आपका सीयू यूनिट के मदद से किया जाता है। तो अगला आपका थर्ड जो है वो है आपका एमयू मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी यूनिट नाम से क्लियर है, मेमोरी मतलब ये स्टोरेज का काम करेगा। डेफिनेशन क्या है, मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा के निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, मतलब डाटा को हम लोग प्रोसेसिंग के पहले या बाद में सेव करने के लिए करते हैं। दो प्रकार की मेमोरी यूनिट होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसे हम लोग आंतरिक मेमोरी कहते हैं और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर अभी पढ़ा है सीपीयू के बारे में, सीपीयू के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले ली। अगर आप लोगों को मुझसे कोई अदर वीडियो चाहिए हो अदर टॉपिक पर कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि मुझे इस सेक्शन पर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना कर दूँगा।